आप देख सकते हैं आज मेरे पास है बजाज मोटोकॉर्प की बेस्ट बाइक एन पल्सर 160। आपका टेल पैनल में ब्रांडिंग इसका प्रॉपर लिखा हुआ है, ये BS6 वेरिएंट है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, आज के जनरेशन में BS6 जो काफ़ी ज़्यादा में सुर्खियों में मतलब बढ़ गया है, और इसमें बात करने वाले हैं जो इसका मीटर की बात क्या दे सकते हैं, काफ़ी ये डिजिटल मीटर है। इसका की ऑन करते हैं, चाबी तो दीजिएगा। की ऑन करने के बाद देख सकते हैं सारे फंक्शन कुछ इस प्रकार से मोड में है, देख सकते हैं ABS में है, और चेक इंजन लाइट प्रॉपर इसका वर्क कर रहा है। ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी अब ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि चारों इंडिकेटर एक साथ कैसे वर्क करेगा, कैसे कैसे इसका कनेक्शन का सही तरीका है, उसी के बारे में डिटेल के साथ बताने वाले हैं। और भाजा थी चारों इंडिकेटर आपको एक साथ कनेक्शन करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसका देख सकते हैं 4M के एलेंकी का बोल्ट है। इसका मीटर में जो है कपलर, इसको ओपन करते हैं, इसके बाद आपको दिखा रहे हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं इसका जो बोल्ट है यहाँ के ऊपर चाबी स्विच के नीचे जो लगता है कुछ इस प्रकार से कपलर ढक्कन, वो ओपन कर लिए। और इसका जो इंडिकेटर देख सकते हैं ऊपर में दिया हुआ है, इसका भाजर जो ओपन होगा यहाँ, अगर आपको दिखा दो, देख सकते हैं 10M का जो बोल्ट है, दोनों ये ओपन करना पड़ेगा। चलिए ओपन करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको स्विच लेना है, ये देख सकते हैं इसका स्विच का जो तार है, दो तार है, कनेक्शन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कनेक्शन आप सही से प्रॉपर कर लिए तो समझ ले घंटों का काम मिनटों में आप कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह पर सबसे पहले हैंडल में इसको स्विच इंस्टॉल कर दिए, प्रॉपर टाइट कर दिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले इसका जो वायर जो है आपस में इसको छील लेते हैं, इसको आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड प्रॉपर इसका जो इसका तार जो है छीन लिए। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि मतलब जो इसका इंडिकेटर में जो है दो तार है, अब कौन सा मतलब पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसका देख सकते हैं इसका जो ब्राउन कलर का जो वायर है और येल्लो प्लस ब्लैक है, ये ग्राउंड है। आप कैसे जाने ये ग्राउंड है, तो चलिए सबसे पहले आपको मल्टीमीटर चेक करवाते हैं। यहाँ देखो मीटर को बीप मोड में सेट करेंगे, अगर बीप में जैसे इसका ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, अगर बीप का साउंड सुनाई दिया समझेंगे ये प्रॉपर ग्राउंड है। अगर आपको देख सकते जरा सा कपलर तार पे छीन लिए, आप इसको जैसे इसको कहीं बॉडी में टच करेंगे बीप का साउंड देख सकते हैं। ये जो वायर जो है ब्लैक प्लस येलो, ये ग्राउंड है, और दूसरा जो वायर है ब्राउन वाला, ये इंडिकेटर का जो है पॉजिटिव वायर है। तो कनेक्शन कैसे करना है, एक वायर जो है पॉजिटिव वाला वायर जो है इसमें ऐड कर देंगे, और अच्छी तरह से इसको टैपिंग कर लेंगे ताकि कहीं से जो है शॉर्ट सर्किट का। इसका जो पॉजिटिव जो वायर है, एक वायर पॉजिटिव में दे दिए ना कि नेगेटिव में, दूसरा वाला राइट साइड का जो है इसमें भी एक पॉजिटिव में वायर में ऐड करना है। तो ये देख सकते हैं इसमें भी येलो प्लस ब्लैक वायर है, ये हम जान गए कि ये ग्राउंड वाला वायर है, और ये वाला जो वायर है हरा कलर का जो वायर है ये पॉजिटिव वायर है, एक पॉजिटिव वायर इसमें दे देंगे, फिर दूसरा वाला वायर जो है पॉजिटिव वाला वायर इसमें कनेक्शन कर देंगे, और इसको अच्छी तरह से टैपिंग कर देंगे ताकि कहीं से शॉर्ट सर्किट का चांस नहीं रहे। और गाड़ी चूँकि हैवी सीसी का गाड़ी है, ध्यानपूर्वक में काम करना है, BS6 लो वेरियंट है। तो चलिए सबसे अच्छी तरह से तार को कनेक्शन करते हैं, इसके बाद टैपिंग करेंगे। तो फटाक से कर लेते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे। इधर गया, तो फ्रेंड देख सकते हैं अच्छी तरह से टेपिंग करने के बाद हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कीजिए, जब भी वायरिंग अगर काम कर रहे हैं तो चाबी स्विच और किल स्विच दोनों जो है ऑफ रखना है, कहीं से जो है जैसे इधर से टच होगा तो शॉर्ट करने का चांस रहेगा, क्योंकि BS6 में जो इलेक्ट्रॉनिक यूमेंट जो जितना है पार्ट्स सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इसमें एड है, और कहीं ज़रा सा भी
शॉर्ट होगा तो सारा पार्ट्स जो है इसमें ख़राब हो जाएगा। तो चलिए डायरेक्ट सब चीज़ कनेक्शन करने के बाद गाड़ी का की ऑन करते हैं, इसके बाद जो है देखते हैं की ऑन करने के बाद सीटी वगैरह परफेक्ट काम कर रहा है और इसका इंडिकेटर जो है जलाएंगे तो देख सकते हैं जैसे इसका इंडिकेटर दिए, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे बटन जो है ऑन में है, जैसे इसको ऑफ करेंगे एक साइड जलेगा, देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड का जल रहा है अभी, और जैसे इसको प्रेस करेंगे दोनों साइड का जलेगा। हमको एक भी जलाना है तो एक भी जलेगा, दो को जलाना है दोनों जलेगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो जरूर कुछ हेल्पफुल भरी जानकारी मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक फॉर वॉचिंग। काट दो।